असली बात बताओ, उस दिन ऋतिक बजरी का ट्राला का साइकिल हटाओ तो दिन तेरे थप्पड़ लागे थे, वह बात बता। अरुण वो तो करे लुआ अपने लोन पे खड़े ना, वो तो ये भगवान दे जान देने, मेरे दो बच्चे हैं जीप पे मरते हैं और दोनों मैं नेम करता हूं। एक मिनट जितने भी पीड़ित है नी, तो फिलहाल एक बार फिर नुकाकरण ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नरवाना की पुलिस चौकी जिसमें की देसी अदालत लाई गई है, जो कि चौकी इंचार्ज राजकुमार जी की अध्यक्षता में, और फिलहाल एक तरफ तो वो वर्ग खड़ा है जो नुक है भाई हम पीस दिए मार गेला, जो है मतलब जो है ना ठगी होगी और बैंक वाले ने मामले रगड़ दिए। दूसरी तरफ जो है बैंक वाले जो कि राजकुमार जी के निमंत्रण पर पहुंचे हैं, जिनके ऊपर आरोप लाए जा रहे थे, जिनको न्यू कह रहे थे के नाम लीला। हाँ लीला और इनका गिल्ला जो है और भी जो लोग पहुंच रहे गांव वाले, ये नुको थे कि भाई इन जो एजेंट हैं इनने मारा गिल्ला ठगी कर लिया, यस क्या था भाई मेरे हाथ में, तो इवामने सामने है दोनों पक्ष, और मामला का दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हालांकि इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो राजकुमार जी करेंगे, वो बाद में चलेगी, क्यों जी राजकुमार जी? जी, जी वो चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल एक बार जो है बैंक वाले और पीड़ित पक्ष आमो सामी है और मर्यादित भाषा में अपना अपनी बात रखेंगे। हाँ जी, हाँ लीले भाई, किस तरह की के ठगी हुई तेरे गिल्ला? न्यू जी मेरे 22,000 रुपये खाता में उठे हैं बिना मेरे साइन के, बिना मेरे दस्तखत के, चौथा महीने की चार तारीख। हाँ जी जनाब, सही उठे हैं इसके 22,000 रुपये जी, इसका भतीजा का लोन हो रहा है, लोन में ब्याज की जरूरत थी, इसने साइन करके दे रखे थे बैंक में, उससे उठाए हैं जो ये 22,000 ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उससे पहले 5,00,000 रुपए इसका भतीजा जब लेने भी तो ला रहे हो, वो भी तो बताओ नहीं क्यों ले हैं, जब भतीजा रुपये ले इसका है और बैंक में जाके ये कह रहे हैं मैं सनिया किराना स्टोर को जाने देने, इसका सगा भतीजा जाने तो मना करें, इससे बड़ा गुनाह होगा नहीं कोई जी। 5,00,000 जो देशी अदालत है इसमें गाँव के मौजूद व्यक्ति भी मौजूद है, सरपंच साहब है गाँव के मौजूदा सरपंच जी, क्या नाम है जी? दिलबाग सिंह जी। दिलबाग सिंह गांव कौन सा? और नाम पूरा गांव के सरपंच हैं, गांव के और भी मौजूद व्यक्ति हैं। हाँ जी, 5,00,000 रुपये बता रहे हैं जी, 5,00,000 रुपये मेरा खाता में गिरे, गिर दिए अगले ने, गिर दिए मेरा खाता में, आप भी 20,00,000 गिर दो, मैंने तो कोई नहीं, मेरे 5,00,000 रुपये अपनी तरफ से दे दिए, गांव का देश बस है तो मेरे पास गुनाह क्यों जी, सरपंच साहब है धर्मपाल ने जाना को नहीं है पहली बात तो हमारा नंबरदार से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है किसी बात के प्रति, हमने कोई इसके ऊपर FIR नहीं करवाई, हम इस बात का जवाब मैनेजर साहब से मांग रहे थे, नंबरदार आप जवाब देने के नहीं आपने, चलो एक मिनट उन्हें बुलावांगे, मैनेजर साहब उन्हें बुला दो। अच्छा आप हो, क्या शुभ नाम है जी? अमित कुमार। एक मिनट जी, अमित जी आपके बैंक में आपकी नाक के नीचे आरोप लान लग रहे हैं गांव वाले, नु कहे की भाई मारी बिना सहमति के ट्रांजैक्शन होने लग रही है खाते में, हमने बेराय को नहीं, हमने इसके भतीजा का लोन किया था, सनेहा किराना स्टोर के नाम से लोन हुआ था, धर्मपाल जिसमें प्रोपराइटर है, उसकी दुकान विजिट करके हमने कागजी कार्रवाई करके सारा काम किया, उसको हमने QR कोड दिया गया था कि भी आपकी जो भी ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन हो इसी के थ्रू करनी है, ताकि आपके खाते में पैसा आएगा, ट्रांजैक्शन टर्नओवर बढ़ेगा तो हम आपका आगे बढ़ेगा उस हिसाब से किया, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन ना होने के कारण इसका खाता NPA में रखा था, जो हमने बात करके फिर हमारे पास वाउचर आया तो हमने इनके खाते से 22,000 उसमें डाल दिए खाते को बचाने के लिए, वो जो वाउचर था उसके ऊपर जो दस्तक हैं वो लीला के हैं। हाँ जी, ओरिजिनल दस्तक हैं, ओरिजिनल है सब। और दूसरी बात क्या है कि गलती हमसे बस ये रह गई कि हमने जैसे आज खाता बचाना था, आज डालने थे हमने पैसे, अगले दिन रिवर्स करने थे, वो हमारे से नहीं हो पाया, जिस कारण से ये मुद्दा उठा हुआ है, ये सारा बवाल हो रहा है उसकी वजह से, तो यह भी तो गलती है, आपने रिवर्स नहीं करी। हाँ बस देखो, वो हमने देखो इनसे बात हुई थी, हमने मान नहीं थी गलती, हमने ये भी कहा था भाई हम अब कर देते हैं, ये बोले नहीं जमता, हम आगे लेके जाएंगे।
इनके था। और दूसरा क्या है कि जो सनेहा किराना स्टोर का जिसका हमने खाता खोला था, जिसकी लिमिट बनाई थी 6 लाख रुपए की, उसके खाते में से 2 लाख रुपए एक बार खाते में लीलाराम के खाते में आरटीजीएस हो रखी है, 3 लाख फिर हो रखी है आरटीजीएस, 50,000 उसने नगद निकाल रखे खुद ने, 50,000 अभी 2-3 दिन पहले आकर के खुद नगद निकाल के लेके गया हुआ है धर्मपाल। बताओ जी क्या है, पीछे आए हैं जी ये जो 22,000 रुपए उठाए नहीं मेरे ठाण का इनका मतलब के बिना कहे 5,000 रुपए मेरे हाथों से देश के आवे, देश के आप 10,000 रुपए गूगल पे कर दिया भाई मेरे पास लोड है ले ले मेरे 22,000 का के दान में 22,000 का सबूत चाहिए, क्यों उठाए मेरे नहीं सबूत तो इसमें जो 22,000 रुपया की जो ट्रांजेक्शन जिसकी शिकायत जो है पुलिस चौकी नरवाणा में मॉडल टाउन उड्डा चौकी नरवाणा में जो कंप्लेंट करी गई इसके इस बाउचर के ऊपर दस्तक आपके नहीं है जी कुछ भी नहीं, ये तो दस्तक उसकी तो कॉपी भी ले रहे हैं जो रामनिवास जी हैं चौकी इंचार्ज हैं जो ये देखो ये दस्तक है मेरी, सुनो बात ना ये यहाँ कुछ भी कहो मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी है इन्हें कया साइन कर जाए कुछ भी लाश का, मैंने इस बात का ज्ञान नहीं मेरे खुद के दस्तखत बनने भी आप तो को ज्ञान को नहीं आप तो को ज्ञान को नहीं और महाराज द्वारा जानकारी लियो लिकड़कान लाग रही है लीला एजेंट भी रहा खुद भी यार कुछ भी कहो जी हाँ मैं भी कुछ भी कहो किराना स्टोर ने पूछ ले किस्त ले या किस्त दे या के करया के नहीं जो 8 लाख वाला था सैनिक किराना स्टोर ने बुला लियो आगे वो कित भाई जो किराना वाला जिसका 8 लाख का लोन हो रहा वो कित गया है क्या रे राजेश आज भाई वोट मनाओ सारे मामला का दूध का दूध और पानी का पानी होगा भाई क्योंकि बैंक के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठा दिए थे गांव वाले ने तो बैंक मैनेजर और एजेंट शाम ही खड़े हैं अर्नू का छाती ठोक के मारते सवाल पूछो और हम हर सवाल का जवाब देवांगे यू कैन है बैंक वाले का। हाँ भाई राजेश कुमार मेरा नाम है जी। हाँ राजेश भाई तूने को था मेरा खाता में था 1.5-2 लाख रुपए कट गए नहीं जी 70,000 रुपए की है ट्रांजैक्शन है हाँ। इन अपने आप कर रखी है पता नहीं कैसी करी है वो दिखाया एक बार कार्ड ही बता देंगे पिछली जो लाइव था उसमें 1.5-2 लाख कर दिया 1 लाख रुपए तो इन्हें वो कर रखा था जी नील 1 लाख रुपए नील कर रखा था जो मैं कल परसों ये देखो भाई हाँ जी ये तो बता देते ना कागज किस्ते दे दे किसने तेरा लोन कराया मेरे ऊपर आरोप लाना गया तो बार बार ये है कि उसमें सरगनायू है पत्रकार साहब ने कौन सी बात पूछी है वही बात बताना बता दो आप ये ट्रांजेक्शन है जी ये 70,000 रुपए हाँ जी मेरे से बिना पूछे और ये जी गट अच्छा जी एक मिनट ये जो बैंक के मैनेजर हैं ये बता पाऊंगे एक बार समझियो जी एक बार 70,000 रुपए एक बार तो आ रहे हैं और फिर 69,500 रुपए उसमें से डिडक्ट हो रहे हैं फिर ये इसी के खाते हैं करंट अकाउंट है जिसमें गया है और बिना लेन देन इसके शुरू से लेके देखिए इसके खाते में कितनी लेन देन की है पैसा बिजनेस के लिए दिया गया पहले किस्त दी गई कि आप लीजिए 2 लाख 3 लाख जो भी है लीजिए और आप काम कीजिए जो भी इसमें ट्रांजेक्शन होगी इसी खाते के थ्रू आएगी सामान आप बेचेंगे वो पैसे इस खाते में जमा करेंगे फिर जहां से आप सामान खरीदते हैं उसको पैसा दीजिए सामान लीजिए बेचिए फिर दीजिए जो पैसा बचता है उससे किस्त चुकेगी और अपना घर परिवार चलाएंगे इन्होंने 1 रुपया नहीं किया इसके खाते को बचाने के लिए एनपीए हो रहा था खाता अच्छा। उसको बचाने के लिए इसी के जो दूसरे खाते हैं करंट अकाउंट है ना उसमें डाल के फिर इसको रिवर्स कर दिया गया अच्छा भाई इसका ये जवाब दे दिया इनका कहना है खाता बचाने के लिए आपके ही अकाउंट एक अकाउंट से आपकी पेमेंट ये ट्रांसफर करी गई है बाकी 590 2-3 बार कट रहे चेक द्वारा जी मैंने कोई साइन नहीं करे कोई चेक नहीं दिया मेरे साथ चेक ने ले रखे ये तो बैंक के चार्ज है ये बैंक के अलग अलग चार्ज है भाई मैसेज के उसके चार्ज हो रहे हैं कट रहे जी हर महीने कट रहे देखो कई बार बताइए मैनेजर साहब 590 रुपए क्या गए हालांकि देखो काम मामला काफी बारीकी में चला गया है फिर भी बता दो 590 रुपए इसने कहीं चेक लगाए होंगे उस चेक के कट गया डिसऑनर हुए हैं हाँ चेक डिसऑनर हुए हैं देखो वो फिर वही बात है भाई चलो इसकी जांच राजकुमार जी कर लेंगे अच्छा यू मानस जो है तो कई सारे के आरोप इसके ऊपर सीध बन रही थी इब यू तारा सैम ही खड़ा है इसके ऊपर बताओ यू कितना दोषी है मैंने जी बात करी थी इसके साथ वहाँ पर इनका दफ्तर है सामने वहाँ बस स्टैंड के सामने नहीं मैं यार तेरे और बात करी तेरे फाइल करवाई सारी उम्र तेरा पानी भरूंगा जितना मेरे तक मैं बात करी मेरे पे की मैं ले आओ दे आओ इनका
क्या नाम बीम बीम नंबरदार तेरी आज मुराद गाड़ी देख के वो काम करे पंचायत में खड़े तो पंचायत में हाँ मेरे तो कुछ नहीं लेते यार मैनेजर साहब के साथ तो साथ में बैठे तेरे साथ मैंने साइन करे इतनी फाइल पे साइन करे हैं है? चलो ये दो चीज लिखकर गई और कौन है भाई नहीं जी एक बात तो है मेरे पीछे उठ रहे हैं मैनेजर साहब मेरा कहना था लोन कर देंगे मेरा कहना था कुछ कर देंगे मेरा कहना था रुपया भी नहीं मेरे पीछे है जी मैंने लोन करवाया बाबा असली तो बताऊं बात लोन लिया इन्हें मेरा मैं कद कहूं अच्छा सुनो नहीं मेरा काम पहले एक बात और कहूं थे बोले हमारा जो लोन कराया गया न्यू का क्या कराया गया एक मिनट न्यू का क्या कराया गया भाई यू भरना कौन पड़ेगा कोई बात नहीं है में तम कह रहे थे भरने भी रखने बंक और मानने पीछे देगा फरी सारा बंक पांचला लाइव में गांव वाला का दावा था अकबर मारे को न्यू कराया गया था अकबर यू लोन भरा ठीक भाई यही बात लाइव वीडियो भी है मेरी सुनने बात रहा है कितनी कुछ ले दिया सारे गांव आने सरपंच साहब कुछ कह रहे हैं एक मिनट जी मैं ये कह रहा हूँ सारे गांव आने लाल लपेटू इसमें तो सरपंच भी आ लिए नंबरदार भी आ लिए और भी आ लिए हम तो ये कह रहे हैं भाई जो कल कल के इनके बयान लियो भाई के मैटर है कौन जेंट है बिल्कुल ये बात सरपंच साहब ने सही कही है एक एक आदमी बताओ भाई किस किस के गले कितने की ठगी हुई है बिना बात सारे नंबरदार तो खरे नंबरदार है मैनेजर क्यों उधर बिल्कुल भाई आ जाओ और तेरा भी लोन है बैंक में हां मेरा लोन तेरे गले को फ्रॉड होया ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है मेरे साथ क्या नाम तेरा प्रवीण है तेरा नाम मेरा विकास है तेरे गले भी फ्रॉड बहुत बढ़िया आदमी कोई फ्रॉड नहीं हमारा कोऑपरेट करा बिल्कुल किस्त भी गेड़ी है मेरी देख मेरा भी करया मैनेजर साहब ना कोई फ्रॉड नहीं एक रुपया भी नहीं लिया और जमा पड़े तुम पढ़े लिखे थे जहां तक कोनी तुम आए होगे यहां पर मेरा भी हुआ लोन जी गांव गांवता जी मेरे साहब ने कोई एक रुपया लिया सही बढ़िया लोन करे बढ़िया मेरा गांव दरोधी है जी और मेरा 20 एकड़ में केसीसी भी है क्रेडिट कार्ड भी आज तक ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हमारी तो गलत ना हुई है और जो खाता में रूटीन में अगर एटीएम चार्ज है क्रेडिट कार्ड चार्ज है वो तो कटेंगे अगर इस पे हम ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं वो तो सरकार के खाते मैनेजर के तो हाथ में है नहीं देखो हमने दूध का दूध और पानी का पानी ज्यादा करना जरूरी है भाई इस मामले का बिना बात को लपेटे में नहीं आना चाहिए हाँ जी आओ जी क्या नाम है जगदीश है जी हाँ जगदीश जी हाँ जी कराया गया मैच कैसी कितने की ठगी हुई कितने की जी आपका मैच का लोन 1,60,000 में 30,000 रुपए कटे थे आपके ना जी ना कुछ नहीं कटे तो इसके 30,000 कौन से कटे थे भाई तेरे कटे थे यहाँ मेरे देखो सारे ये देखो भाई कैमरामैन विक्की तने लाइन दिखी ये देखो 1,60,000 रुपए आ रहे हैं 30,000 रुपये इसके 27/4/2022 को कट गए ये बताइए जी क्या क्या कटे हैं ये हाँ जी मैनेजर साहब कौन सा खाता है कहाँ का है ये उस ब्रांच का जी इधर दूसरी ब्रांच हाँ जी बताओ जी आ जाओ और सीट पा जाओ जी आगे देखो मामला का दूध पानी का पानी होना देखो साहब इसका हुआ था 1,60,000 का लोन हाँ जी जिसमें से फ्रॉम एसबी अकाउंट इसके 30,000 रुपए इसके जो ये किसान कार्ड जो पैसा वाला लोन है उसमें ट्रांसफर कर रखे हैं उसके बाद इन्होंने एंट्री नहीं करवा रखी तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता आगे की एंट्री पे नहीं ये 30,000 रुपए किस 30,000 रुपए इसके सेविंग में गए हुए हैं इसे का सेविंग अकाउंट सॉरी एक मिनट ये गया है 1,60,000 इसके इस पैसा वाले खाते को डेबिट करके निकाल करके इसके सेविंग में डाले हैं केसीसी के कट के पैसे वाले खाते से निकाल के अच्छा। मार्च में इसके सेविंग खाते में डाल दिए उसके बाद हमने क्या कर रखा है 27 अप्रैल 2022 को इसके सेविंग से 30,000 निकाल करके इसके पैसे वाले जो ये लोन है इसी लोन में हमने वापस डाल के तो इसकी देनदारी तो 1,30,000 ही है हमने 1,60,000 चलो एक बार कर दिए इन्हें हमने 30,000 वापस भी कर रखे हैं नगद किस किस पे ले रखे भाई अच्छा जी मैं आपके पास आया मेरे 30,000 रुपए बैंक में दे दो मेरा एक सेट का लोन होया तना आपने क्या किया भाई उसके पास जा तना आपने भेजा उसके पास जेंट यू है मेरा ये जेंट है इसे ने लोन कराया था 1,60,000 का लोन बन गया मेरा 1,30,000 मेरे मिल गई 50,000 रुपए इसने ले लिए मेरे पे ले रखे 50,000 एक मिनट देखो बड़ी बड़ा आरोप लिखकर कांड लग रहे भाई 50,000 रुपए ले इस पे मेरा क्या दवाइयों की दुकान है जी दवाइयों की दुकान का हिसाब किताब था कहीं 1,000 रुपए नहीं दे रहा था मेरे पे और कोई चारा नहीं था मैंने इस पे प्यार तो ले हैं मैं उधारे दे दे 50,000 रुपए ले इसका लड़का जाके हिसाब कर 2,250 रुपए इसकी मेरा कहानी बच्चे में देने दूंगी अच्छा 2,250 इतने आदमी भाई तेरा हिसाब किताब था
छाप के आप दुकान का था 10,000 रुपये पहले ही पड़े हैं मेरे इसमें इसे में 10,000 रुपये पड़े हैं तो चोर है। मैं दुकान पर गेट है जी मेरा रिश्ता है लोन मन्ने करवाया चोर सुनो एक मिनट देखो लेन देन है आप तो एक मिनट यह बात आपने बताई सुनो एक मिनट देखो भाई हम नुकाग्रह ना पक्ष ना विपक्ष हम हाँ केवल निष्पक्ष जी आपने यह बात बताई अकबर मनीष के देने भी थे बतानी चाहिए दुकान के जी पाँच ले रखा होगा 5-10,000 रुपये है इसके वहाँ मेरे इसमें पड़े हैं बुला लो आ जाओ भाई मैं ये कहना चाह रहा था ये इन्होंने आरोप लगाए मेरे ऊपर कि मैं आया ये कब आए थे मेरे पास इनसे ये पूछा था क्योंकि भाई इनके पास मैनेजर साहब के पास कब पूछे थे मैं आपके पास आया 50,000 दो जने आए ममता ने इस पे फोन करे इसने श्याम को मेरे धमकी दी मैंने उतारी किया थे जेन पड़ के मैं आपके पास आया मेरे 30,000 रुपए दे दो ये भगवान दे जान देने मेरे दो बच्चे हैं जीप पे मर जाए और बोलो मैं नेम करता हूँ एक मिनट ये आपका लड़का है एक मिनट भाई तरह की मेन का गले लेन देन था हमने फिर पहले जो लाइव वीडियो थी उसमें तो हमने इस बात का तो जिक्र कर दिया अब एजेंट ने 50,000 ले लिए 30,000 रुपए मैनेजर खा गया एक मिनट सुनो मामला का पूरा निचोड़ निकलना चाहिए तो हमने उस टाइम तो न्यू को नहीं बताया भी मारा कि मैं धमकी भी दिया जिन हुआ था बैंक में क्यों गए बैंक में क्यों जाऊं मैं बैंक में क्यों जाऊं धमकी जाना मैंने क्या करते करूंगा बैंक में क्यों जाऊं अगले के हिसाब किताब नहीं दोगे तो पीछे देने पीछा काम तो पीछा तो बनेगा अभी दिलाए थे जी बैंक में 30,000 रुपया अभी दिल बैंक में 30,000 का तो ये बताया दिया तारा दूसरा खत्म गए केसीसी अकाउंट में था सेविंग अकाउंट में 50,000 जो अपना आरोप लगाया है 50,000 रुपए ले मर पे हम इसकी दुकान में सामान सुनो भाई सुनो आरोप यू था अकबर ने न्यू कहा था कि 50,000 रुपए तो एजेंट ले गया मेरे पास नगद और 30,000 रुपए बैंक वाले ने एक मिनट जी रुको 30,000 रुपए काट लिए बैंक वाले ने तो उसे हिसाब था हमने इनकी पूरी बात सुनकर जीबे टाइटल बनाया था पसला अरे ये भी यहाँ कई चीजें तो मुकरण लग रहे हैं देखो 30,000 रुपए केसीसी तक सेविंग में चले गए एक मिनट सुनो एक एक चीज बिल्कुल खर्तल हिसाब करेंगे भाई जमा देखो हालांकि वही बात है इन चीजें बदल इतनी बड़ी अदालत लानी पड़ेगी 20-30 रुपए मैंने देने हैं इसके लड़का ने हिसाब कराया था जब मर्जी ले आओ मैंने कहा था तेरा पल ले आइए साइन करवा के भाई मेरा कोई लेने देने आ गया ठीक है जी मेरे दिखाओ चलो भाई हाथ गिनता होगा बंदा इसने ऐसे जोड़ा करा जी पैसे का हाथ भी नहीं लगाया निवेश में डालते 50,000 की इकट्ठी हाथ भी लाया नेम करते पटके तला खड़े हो गया भगवान देने तो थे तो हमने या मन्नत ठावा बीज मेरा मरा या तेरा बीज मरेगा याद रखी या मेरा मर जाए झूठा हुआ मैं करूंगा नेम सच्चा मैंने नेम टकर करे उल्टा कर मैं टकर हाँ देखो भाई यह बात सुनो समझाओ थोड़े गर्म हो गए अरे आपस में ना बोलो आपस में आपस में नहीं भाई याद की बात नहीं भैया जो बात करनी करो आपस में नहीं बोलो और भी तो बोल रहे हैं भाई और है कि कोई सा और है कि कोई सा हाँ भाई नमस्कार जी नमस्कार बता भाई मैं सीरी आदमी था जी अच्छा मैंने कहा नंबरदार साहब लोन करवा दो मेरा नहीं बोले भाई करवा देंगे चलो जी मैं सीरी आदमी था खाता खुता कदे बैंक में गया भी नहीं था मैं अच्छा खाता खुता खिलाया जी बाद में बोला नंबरदार के बात हुई है बोले भाई आधे पैसे लगे काले मेरे नंबरदार से बात काले सही है बात एक बताऊंगा जी असली बात बताओ दिन रेती बजरी का ट्राला साइकिल लड़ाओ तो दिन तेरे थप्पड़ लागे थे वह बात बता आरोप ना ला वो तो करे है अपने लोन पे पड़े तो रमेश हाँ भाई पीछे का वो अलग बात है सुनो पीछे की बताओ आप कोई पीछे की बात नहीं हुई कोई चीज नहीं हुई या इसका दत्ता लड़का जी रात में मैंने 9 बजे बुलाया इसका थप्पड़ मारे हैं नहीं वो तो चलो झगड़ा हो गया सुनो एक मिनट ऐसा भीम भाई सुनो मेरी बात असली बात तो वह बताओ ना जो पीछे की मांग करी गई है जो मांग करी कोई रिकॉर्डिंग हो कोई सबूत हो जो मर्जी रिकॉर्डिंग कोई सबूत वगैरह आमो सामने तरफ जाए पे खड़े थे जी थप्पड़ तो ही मार ले बात तरफ जाएगी बात करता हूँ नंबरदार साहब तरफ जाएगी बात कर ये बात करी गई एक मिनट भाई सुनो एक मिनट थोड़े थोड़े नॉन सी हो लो भाई कैमरामैन विक्की थोड़ा पास हो ले तो नजंगा कौन दिखी ये ना भाई रमेश है जी रमेश नहीं झगड़े की बात बताओगा क्यों बताओ जी रात ने इनका इसने दारू दूर पी रखी थी यू ट्राला था इसका रेती का बजरी का तो इन्हें साइकिल आगे डा दिया इन्होंने बना कर ले इन्हें बना कर इसने इसका मारे यू बुलान लाग गया नुबले मैं तो आड़े
लेकिन असली बात यह है नी पीछे मांगे गए हैं। असल बात तो यह है सुनो भाई, जो लोन इन पे होना था कितने का लोन होना था? एक साठ का बताकर नई नई बात लेकर कांड लग रही है। 1,60,000 का मैसे पे लोन होना था जी, और उसमें तो कितने महंगे गए? बोला खाता खुलवाने के बाद जाकर पेपर कबले आद लूंगा जी। और ये बताओ चाचा का लड़का इसका लोन हो रहा है, पूछ ले के लिए इस पे बता दे भाई। एसएचओ साहब आज ले भाई, एसएचओ साहब जो है नरवाना सिटी से एसएचओ साहब हमारे बीच में पहुंच गए। एसएचओ साहब मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है, काफी सारी चीज लिकड़ लिकड़ कांड लग रही है। ये शिकायत करता है तो लिल्लू है, तेरा क्या नाम भाई? सतबीर है। तेरा क्या नाम भाई? शमशेर। तो काफी मामला उलझ रहा है, उधर से बैंक वाले भी आ लिए हैं। आज कुछ पक्ष तो नुक है वही, इस मामले में कोई गड़बड़ को नहीं हो रही, हमने भी लोन ले रखा है, बैंक की तरफ से कोई घपला नहीं हो रहा। जबकि ये जो लिल्लू है ये नुक है, मेरी बगैर पूछताछ के 20,000 रुपए ट्रांसफर करे गए हैं खाते में। कई सारा मामला घुसड़म घुसड़ाम हो रहा है मामला इसमें। ये जो है दरखास्त हमारे चौकी चार राम कुमार के पास, राजकुमार जी के पास है, बिल्कुल। और इसकी तथ्यों के आधार पर जांच करेंगे, जो भी तथ्य स्पष्ट सामने आएंगे, बिल्कुल। और कल्प्रिट से जो आरोपी है, जो भी इसमें गिल्टी होल्ड होगा उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई फिलहाल जो है इस ये जो ये तस्वीरें तस्वीरों पर छोड़कर जान लग रहे हैं तरती एस एच ओ सिटी शुभ नाम था सतीश, सतीश कुमार जी भी मौके पर पहुंच गए थे। और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, काफी सारे संगीन आरोप हैं, जिसकी जांच होगी तो बहुत सारी परत खुलेंगी। फिलहाल जो है एक पक्ष नुका है कि भैया आरोप निराधार है। कुलवीर नाम है जी मेरा, मैंने दुकान का लोन करवाया था। क्या नाम है? कुलवीर। कुलवीर हाँ जी, दुकान का लोन करवाया था जी मैंने। अच्छा, मेरे तो बोले 5,00,000 का लोन होगा, 5,00,000 का लोन होगा, कमीशन मांगा 30,000 रुपये। अच्छा, पहले पैसे दिए हमने। अच्छा, मेरा साइन सुइन होने के बाद 30,000 रुपये कमीशन पहले दिया? हाँ पहले दिया जी। किसको दिया? भीम को दिया, इनको दिया। जो मर्जी लगाया जाओ जी आरोप पे। देखो ये तो मुंह पे है, थोड़े पीछे हटियो जी। देखो फिलहाल तो मुंह आसुई मामला भाई, हम सामने आरोप लगन लग रहे हैं। हालांकि इनकी पड़ताल जो है वो राजकुमार जो की चौकी इंचार्ज हैं और जो एसएचओ साहब हैं वो करेंगे, उसमें मामला का दूध और पानी का पानी होगा। काफी सारे आरोप लिकड़ के आने लग रहे हैं, जो मुंह पे सामने एक तो अगर आगे पास चक है, फिलहाल जो सामने खड़े हैं कहने लग रहे हैं अभी 30,000 रुपए मांगे दिए हैं। 30,000? हाँ दे है जी, और बंदा है दोनों सा दे का है। हो गया लोन? हाँ जी हो गया लोन। जो मर्जी बोल दे जी। चलो फिलहाल ये तस्वीर है भाई, ऐसे है करमो जी, ये एक गांव धर्मो जी गाँव का एक मामला है और उसमें सरकारी कर्मचारियों को हरासमेंट कर रहे हैं। और अगर सरकारी कर्मचारी अगर कोई भी गड़बड़ करता है, बैंक है, हर एक ट्रांजैक्शन होती है, अगर 10,000 रुपए लिए अपनी नौकरी क्यों खोएगा? और अपने बच्चे भी उसके बाहर आदर्श है। ये सिर्फ एक हरासमेंट है कर्मचारियों की, और आपसी मतभेद है नी वो गाँव में सुलटाने के लिए। जाँच के बाद बेरा पटका इस मामला का जो पूरा खुलासा हो लेगा तो अगला लाइव फिर लेकर आवेंगे हम। फिलहाल जो है गांव आने के आरोप जारी हैं। मेरी तो बात है, हाँ, शामी लगोन है। बताओ ये एप्लीकेशन मैंने दी है, हाँ, सिर्फ ये जो लंबरदार है इसका मेरे साथ कोई रोल नहीं है, ना मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। तो 22,000 जो है ट्रांसफर, चाहूँ मेरे पीछे जो ठार खे नी इनका कोई सबूत तो दो, या मेरे को बताओ 2 महीने हो गए। चलो आज भी यही बात चल गई जांच में, कहने का मतलब मारे जाए गेड़िया पुथक थुक्का बैठ जाएगा। टेक्निकली फॉल्ट है, दोबारा रिवर्स करने भूल गए, मैं कर देंगे उसमें। वो बात जो गलती थी जो मिस्टेक थी वो स्वीकार भी कर ली है। हम यह नहीं कह रहे, हम मेरी बात सुनो, हम यह नहीं कह रहे भी सारे गांव के ला रहे जो आदमी गुवांड गए हैं इनका सही कर रखे होगा, हमें तो नहीं करके नहीं। अगर हमारा गांव के एक आदमी आया जिसका सही हो रहा तो गांव में जाकर हम जांच करावेंगे किस चीज का सही हो रहा। चलो भाई फिलहाल जो है संसार क्रांति की देशी अदालत जो कि नरवाना का जो नरवाना की पुलिस चौकी उड़ा मार्केट की पुलिस चौकी जिसमें कि देशी अदालत लाई थी, काफी सारी चीज है जिनमें काफी सारा मामला जो है वो निचोड़ लिखड़ कहा गया है। बाकी जो जांच है वो राजकुमार जी करेंगे और मामला का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ बिल्कुल, इसकी निष्पक्ष जांच हो गया और पूरा मामला का निचोड़ काट के फिर लाइव आओगे और धरती बताओगे डंके की चोट पे और छाती ठोक के धरती जो भी है पूरी सच्चाई बताओगे। कर दो भाई जिला के शेर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान,
अर्जा परेशान परेशान नहीं होगी। चलो।